हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में हमने स्क्वायर प्लेनर में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर को निकालना सीख लिया था। आई होप सो कि वो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने उसका मैक्सिमम एग्जांपल नहीं लिया है, आज हम उससे रिलेटेड एग्जांपल को करते हैं। देखो क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे वो मैं आप लोगों को टेक्निक और ट्रिक दोनों बताऊंगा, ठीक है? देख लेते हैं, समझ लेते हैं एक एक करके क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। आपको इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर को कैलकुलेट करना है। आई होप दैट कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। तो देख लेते हैं, सबसे पहले मैं कुछ लिखता हूं यहां पर। पहला आपको निकल NH3 ट्वाइस CN2, ठीक है? सेकंड है आप लोगों का यहां पर, सेकंड आप लोगों का यहां बनाता हूं मैं तो आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड है PT NH3 Cl PY CN। आई होप सो कि आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड, ये क्वेश्चन अगर आपने बार बार कर लिए तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालना तुरंत आ जाएगा, आप लोग एनालिसिस ही कर लोगे, ठीक है? वैसे तो मैंने मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना रखे हैं, आप लोग उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। थर्ड, इसके बाद फोर्थ, ठीक है? इसको मैं तरीका भी बताऊंगा आप लोगों को। एम नहीं, यहाँ पर लिख देते PT EN2, ये मैंने लिख दिया, ठीक है? दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट। आई होप सो कि आप लोगों को अब ये क्वेश्चन समझो, बस आप लोगों को कुछ नहीं समझना, आप लोगों को ओनली क्या समझना है बच्चों, क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है? क्वेश्चन करने का तरीका समझो, ठीक है? तो सबसे पहले ये क्या है, ये किसकी तरह आप लोगों को दिख रहा है बच्चों? एम एक्स टाइप का लिगेंड दो बार है, वाई टाइप का लिगेंड आपका दो बार है। चलो ये हो गया आप लोगों का। सबसे पहले हम लोग सेट करते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन, हम लोग क्या सेट करेंगे बच्चों? कॉम्बिनेशन। लेट्स स्टार्ट द सेट द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, सिंपली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगेगा, ठीक है? अब हम समझते हैं कि जनरली मैं इसको कैसे बनाऊंगा, जनरली मैं इसको यहाँ पर कैसे बनाऊंगा बच्चों, उसको समझते हैं। जनरली मैं इसको यहाँ पर बनाऊंगा बच्चों, देखो यहाँ पर मैं निकल लिखूंगा, यहाँ पर आपका NH3 हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा CN, यहाँ पर NH3 और यहाँ पर CN, ऐसा लिखूंगा जनरली, ठीक है? अब हम सेट बनाते हैं। इस लाइन पर एक बार क्या होगा, ये पूरी लाइन पर एक बार क्या आएगा बच्चों, एक बार इस पूरी लाइन पर आएगा बच्चों, देखो ये वाली लाइन पर एक बार आएगा NH3 और एक बार CN, और इस लाइन पर क्या आया NH3 CN। अब अगर मैं एक और कॉम्बिनेशन बनाना चाहूँ तो एक और कॉम्बिनेशन बनाओ, अगर मैंने इसको घुमाया तो क्या बनेगा, जल्दी बोलो। आपका घुमाया तो NH3 के साथ आ गया और आपका CN के साथ आ गया। अब आप देखो इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर CN आगे आ जाए, NH3 पीछे आ जाए, तो लाइन तो वही है। ऐसा नहीं चलेगा कि CN आगे आ जाए, NH3 पीछे आ जाए, तो उसको नया कॉम्बिनेशन नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग नया कॉम्बिनेशन नहीं बोलेंगे, हम लाइन को चेक करेंगे। इस लाइन पर NH3 CN है, इस लाइन पर भी NH3 CN है, देखो लिख लिया, ठीक है? अब अगला क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है कि इस पूरे लाइन पर NH3 NH3 आ जाए, इस पूरे लाइन पर CN CN आ जाए, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने हियर, यहाँ पर टोटल आपके दो कॉम्बिनेशन बने, टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने, दो कॉम्बिनेशन बने, और दो कॉम्बिनेशन बनने की वजह से यहाँ पर आपका GI कितना हो जाएगा बच्चों, दो। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया, GI निकालना काफ़ी ईजी है, GI निकालने का तरीका समझो बस। अब देखो यहाँ पर भी आप लोग सेट करना PT NH3 CL PY CN। अब इस लाइन पर मैं क्या बना सकता हूँ, एक बार NH3 CN ले लिया और एक बार इस लाइन पर क्या बन जाएगा PY
Cl, ये एक कॉम्बिनेशन बन गया। अब दूसरे कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इस लाइन पर NH3 वो CN की जगह कुछ और रख दो, NH3 PY CN Cl। और इसके बाद हम और कौन सा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, अब देखो NH3 को Cl के साथ रख देंगे, NH3 को Cl के साथ रख देंगे, और क्या करेंगे, NH3 को Cl के साथ रख दिया और PY को मैंने CN के साथ रख दिया, PY को मैंने CN के साथ रख दिया। अब देखो कितने कॉम्बिनेशन, क्या कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहे हैं, यहां पर NH3 CN के साथ है, यहां पर NH3 PY के साथ है, यहां पर NH3 CL के साथ है, कोई भी कॉम्बिनेशन आपका रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो गए, यहां पर PY CL के साथ है, ऐसे चेक करना है। चेक करने का तरीका भी बता रहा हूं, कॉम्बिनेशन कैसे चेक करना है, यहां पर PY CL के साथ है, यहां पर CN CL के साथ है, यहां पर PY CN के साथ है, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन आ चुके, कंप्लीटली अलग अलग कॉम्बिनेशन आ चुके। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी यहां पर कितने हो गए, तीन। तो टोटल नंबर ऑफ जीआई भी कितने हो गए बच्चों, यहां पर तीन। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा कॉम्बिनेशन और जीआई कैसे निकाला मैंने। अब इस कॉम्प्लेक्स में देखते हैं बच्चों, देखो सबसे पहले देख लो, यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये आपका स्क्वायर प्लेनर है, यहां पर पहले मैंने दिया हुआ है स्क्वायर प्लेनर तो इसलिए मैंने सीधा किया है, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इस चीज को आप लोग चेक करते हुए चलो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इसमें समझ लेते हैं बच्चों, इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें सबसे पहले पीटी जीएलवाई तो पीटी तो जीएलवाई तो आपका बाइडेंटेड लिगेंड है, ग्लाइसिनेट हो कुछ ऐसा होता है आपका, ग्लाइसिनेट हो CH2N और यहां पर ON CH2 यहां पर आ जाएगा NH2, यहां पर NH2 ये देगा, यहां पर NH2 ये देगा, यहां पर O- ये देगा, यहां पर C डबल बॉन्ड हो, ये हो गया आपका। अब देखो यहां पर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, यहां पर हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं, चलो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, बनाते कॉम्बिनेशन। देखो यहां पर इस लाइन पर एक बार O वाला आ रहा है, एक N वाला आ रहा है, इस लाइन पर कौन आ रहा है बेटा, इस लाइन पर भी O वाला आ रहा है, N वाला आ रहा है। अब इसको मैं अगर घुमाऊंगा तो क्या क्या हो जाएगा, एक बार N वाला साथ साथ आ सकता है, एक बार O वाला साथ साथ आ सकता है, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन आप लोगों को दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा। तो यहां पर समझना टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो गए बच्चों, यहां पर हो गए आपके दो। तो जीआई कितने हो गए बच्चों, यहां पर दो। इस चीज को ध्यान दो, ये बाइडेंटेड लिगेंड के लिए, किसके लिए, ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड के लिए, एम ए बी ट्वाइस, और ए बी को हम क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, कल मैंने बताया था अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, समझ में आया बेटा। यहां से ये वाला क्वेश्चन अक्सर पूछता है और बहुत ही ज्यादा बच्चे इसमें गलती करते हैं और छोड़ छाड़ के आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने डील कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से, आप लोग इसको कोशिश करो, एक दो बार बनाने की कोशिश करो, अगर आपने बनाने की कोशिश की कॉम्बिनेशन, आई 100% एम श्योर कि आप लोगों को आ जाएगा, जब मुझे आ सकता है तो आप लोगों को क्यों नहीं, ठीक है, मैं भी तो इंसान ही हूँ। तो यहाँ पर पी टी, यहाँ पर एन एच टू, यहाँ पर एन एच टू, यहाँ पर आपका सी एच टू, यहाँ पर आपका सी एच टू, यहाँ पर एन एच टू, यहाँ पर आपका सी एच टू, यहाँ पर आपका सी एच टू, यहाँ पर आपका एन एच टू। अब देख लेते ये इसके दो है इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, इसके दो है इसलिए ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, यहाँ पर तीन है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। अब बात को समझो, ये आपका पहली बात तो सिमेट्रिकल लिगेंट है, तो सिमेट्रिकल लिगेंट कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कांट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, पहली बात तो ये है, सिमेट्रिकल लिगेंट कांट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सिमेट्रिकल लिगेंट आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर को शो नहीं करता। तो इसका कैसे बनाएंगे कॉम्बिनेशन, देखो इस लाइन पर NN है, इस लाइन पर NN है, अब कितना भी घुमा दें अगला भी क्या आएगा, NN ही आएगा, अगला भी NN ही आएगा, तो रिपीट हो गया ना, रिपीट हो गया, इसका मतलब यहां पर GI यहां पर शो कर रहा है, इट डज नॉट शो GI, केवल और केवल इसका एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, इन सब के कितने बनेंगे, दो, क्यों, क्योंकि ये आपका GI शो कर रहा है, इसका एक दूसरा रूप ऐसा भी होगा,
इसका एक दूसरा रूप ऐसा भी होगा, इसके तीन रूप ऐसे होंगे। तो इस चीज को समझो, यहाँ पर जी आई निकालने का कैलकुलेशन मैंने आपको बताया। अब ध्यान रखो एक चीज कि अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड कैन शो जी आई इन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स, बट सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड कैन नॉट शो जी आई। ठीक है, ये वाला लाइन आप लोग ध्यान रखो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, समझो समझो बस। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं बच्चों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे। मैं कैसे एनालिसिस कर रहा हूँ उसको अगर आपने समझ लिया तो आई 100% आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। यही तरीका मैं फिर से अप्लाई करूंगा, यही तरीका मैं फिर से बनाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को समझना है। अब देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बता देता हूं कि कौन कौन आपके जी आई शो करेंगे, कौन कौन आपके जी आई शो नहीं करेंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ पर जनरली मैं लिखवा देता हूँ ताकि आपके काम आ जाए अगर वो याद कर लिया तो। अब देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन कौन शो करेगा। बच्चों ये जनरली क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिया जाता है और आप लोग बना भी सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने बोलिया MX4Y2, ये आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पर MX3Y3, MAA2, X2, यहाँ पर हो जाएगा आपका MAB3। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका। अब ये तो आपका मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर से, ये आपके क्या है मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। अब क्या करना है बच्चों इसमें, ये अब देखो मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर तो आपके जी आई शो करेंगे, अब इसके बाद वाले आपके स्ट्रक्चर मतलब इससे ज़्यादा सिमेट्रिकल जो होंगे वो आपके जी आई शो नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर विच कैन शो जी आई। अब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में जिसमें हम मतलब ये तो मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इससे भी ज़्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो सकते हैं लेकिन वो जी आई शो नहीं करेंगे। ये जी आई शो करने वाले मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर से ये आपके जी आई 100% श्योर करेंगे, श्योर शो करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले एक एक करके देख लेते हैं बच्चों, एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पर, अब इसमें जितना ज़्यादा डिसिमेट्री क्रिएट करोगे वो हो जाएगा YZ, एक हो जाएगा MX3, YZW, MX2, YZWR, ठीक है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं MX3Y2W, मतलब इसको ऐसा भी कर दिया। इसमें मतलब चेंज करना है, मतलब Y को हटा के उसमें कोई और लिगेंट भी डालते रहना, वाई को हटा के कोई और लिगेंट, मतलब Y2 है ना, Y2 की जगह कोई दो अलग लिगेंट, Y2 की जगह Y2, Y कितने दो है तो उसकी जगह कोई दो अलग लिगेंट डाल दिया मैंने YZ, ऐसे यहाँ पर X3 कर दिया। अब मेरे पास क्या क्या बचा, X और 2Y, तो X और 2Y की जगह अलग अलग डाल दिया, मतलब डिसिमेट्री क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और एक हो जाएगा बच्चों आपका MX2Y2Z2, ऐसा ही बन जाएगा। एक आपका कैसा बन जाएगा बच्चों यहाँ पर MXYZWRS, आप लोग भी मेरे साथ बनाया करो बच्चों ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये बन गया X2 X3। ठीक है, और आपका सब टाइप का तो बन गया। ठीक है, अब इसमें कैसे होगा मोस्ट, अब इसमें डिसिमेट्री क्रिएट करो, कैसे करोगे, MX2Y2Z, देखो रिपीट हो गया, MX2Y2Z Z2, देखो रिपीट हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, MX3Y2ZR, MX3Y3Z, हाँ MX3Y3Z, तो देखो कितना हो गया MX3Y3W, मतलब बात एक ही है। ठीक है ना, कैसे भी घूम फिर के यहाँ पर तीन अलग लिगेंट है, एक लिगेंट तीन है, एक लिगेंट दो है, एक लिगेंट वन है, यहाँ पर तीन अलग टाइप के लिगेंट है, एक तीन है, एक दो है, एक जेड है, कंपेरिजन कर सकते हैं। अब इसको करो MX3, इसको W कर लो ताकि आपको समझ में आ जाए, XYZ, हाँ इसको आप लोग जेड लिख लो, यहाँ पर भी जेड कर देता ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। चलो अब यहाँ पर X3
YZW, देखो ये रिपीट कर गया, ठीक है। इस तरीके से डिसिमेट्री क्रिएट करते जाएंगे तो वो आपका कहीं ना कहीं रिपीट भी करता जाएगा, ठीक है। अब इसमें डिसिमेट्री क्रिएट करते हैं, देखो MAA BB X2 कर दिया एक बार, अब यहां तो डिसिमेट्री क्रिएट कर देते हैं AB, और एक बार अनसिमेट्रिकल X2, एक बार क्या कर देंगे MAA 2 XY, एक बार क्या कर देंगे MAA BB XY, उसकी जगह चेंज कर रहे हैं बच्चों, बस चेंज कर रहे। जितना ज्यादा डिसिमेट्री क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बढ़ जाएंगे। यहां पर AB AB CD XY XY ऐसा भी कर दिया, चलो ठीक है, काफी सिंपल है। यहां पर CD कर लो, CD, ठीक है। अब AB3 में क्या करेंगे बच्चों, MAB3 का आप लोग सिंपली ध्यान रखिए, इसमें आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे सिलेबस में मोनोडेंटेड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बाइडेंटेड वाले का भी एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन मोनोडेंटेड हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम एनालिसिस कर लेते हैं मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का। तो एनालिसिस ऑफ मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, तो पहला कौन सा स्ट्रक्चर है आपका, MX4Y2। इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ MX4Y2 का मैं एग्जांपल लेके दे दिखा देता हूँ आपको। CONH3 4 CONH3 4 CL2। अब इसका देखो ये किसकी तरह दिख रहा है बच्चों आपका, ये M हो गया मेटल आयन, ये आपका X4 और ये Y2, ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब देखो यहां पर अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये आपका कौन सा होगा कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, मतलब ऑक्टाहेड्रल, तो यहां पर CO बना दिया, दो CO, एक बार NH3 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 NH3, और यहां पर CL CL। अब इसका मैं आप लोगों का दूसरा कैसे बनाऊंगा बच्चों, देखो दो दूसरा बनाऊंगा बच्चों में, इसका CO यहाँ, CL यहाँ, CL यहाँ, NH3 यहाँ, NH3 दूसरा मैं बनाऊंगा, देखो यहाँ CL यहाँ, NH3 यहाँ, NH3 यहाँ, CL और यहाँ CL, दो बना दिए मैंने। इसको बोलेंगे सिस, इसको बोलेंगे सिस आइसोमर, और इसको बोलेंगे ट्रांस, देखो एक दूसरे के अपोजिट है। अब सर आप लोग, आपको पता कैसे पड़ा कि ये दो बनेंगे, देखो समझते हैं, देख लेते हैं। अब कॉम्बिनेशन, एक लाइन पर किस कौन कौन से लिगेंड आ रहे हैं उससे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। एक लाइन पर आपके कौन कौन से आ जाएंगे बच्चों, यहां पर आपके NH3 और यहां पर आपका NH3 आ गया, यहां पर आपका क्या आ गया NH3 CL आ गया, ये आपका NH3 आ गया, यहाँ आपका CL आ गया। देखो ये वाली लाइन पर देख लेते हैं, NH3 CL आ गया, ये पहले स्ट्रक्चर बन गए। दूसरे स्ट्रक्चर में चेक करो, दूसरे स्ट्रक्चर में चेक करो, NH3 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 एक साथ कर दिया, यहां पर भी NH3 NH3 मैंने एक साथ कर दिया, और यहां पर CL CL मैंने एक साथ कर दिया। अब और भी पॉसिबिलिटी निकालो, तो आपके माइंड में चल रहा होगा सर इसके बाद एक और पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है, कि आप लोगों का एक और पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश करो, आप लोग इसमें एक और पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश करोगे तो यहां पर नहीं बन पाएगा आपसे। तो टोटल नंबर ऑफ GI कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आपका हो गया बच्चों यहाँ पर आपका हो गया दो। तो टोटल नंबर ऑफ GI भी कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर दो। टोटल नंबर ऑफ GI भी आपका कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर दो। यहाँ पर आपका टोटल नंबर ऑफ GI कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर दो हो गया। चलो ठीक है, ये वाली चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आई होप दैट। एक तरीका जो है वो वही है, आप लोगों का तरीका मैं चेंज नहीं करने वाला। अगला एक और बता देता हूँ बच्चों में, अगला एग्जाम्पल, इसी में एग्जाम्पल के नीचे लिखते जाना बच्चों। एक है बेटा हमारा CO NH3 थ्राइस CL थ्राइस। अब इसका ये किसके साथ कंपेरेबल है, MX3Y3 के साथ, MX3Y3 के साथ ये आपका कंपेरेबल है, पक्का आई एम डेम श्योर कि अब आपको समझ में आ गया होगा। MX3Y3 के साथ ये आपका कंपेरेबल है,
अब देखो जब ये आपका एम एक्स थ्री वाई थ्री के साथ आपका कंपेरेबल है तो कैसे बनेगा बच्चों, इसका निकाल लेते हैं, देख लेते हैं। ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है सीओ। अब यहाँ पर कैसे बना सकते हो आप लोग, कैसे भी कर दो अरेंज, मैं ऐसे कर देता हूँ। एन एस थ्री सी एल सी एल सी एल, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन क्या बनेगा बच्चों, कॉम्बिनेशन पहले बनाते हैं। देखो एक बार एन एस थ्री के साथ कौन आ जाएगा, सारे सी एल सी एल आ जाएंगे, ठीक है। अब अगला कॉम्बिनेशन बनाओ, अगला कॉम्बिनेशन क्या होगा, एन एस थ्री के साथ एक एन एस थ्री के साथ एक सी एल और फिर सी एल और सी एल, और अगला कॉम्बिनेशन जो आप बनाना चाहते हो वो बनाओ। बस ये दोनों सेम सेम नहीं रहने चाहिए, ये बिल्कुल ऐसा नहीं आना चाहिए, बिल्कुल अलग आने आना नहीं चाहिए। एक लाइन पर दो अलग अलग ग्रुप आ गए तो वो नया आइसोमर बनने की प्रोबेबिलिटी बच जाएगी, लेकिन रिपीटेड नहीं होना चाहिए, रिपीटेड पूरा का पूरा रिपीटेड नहीं होना चाहिए। ऐसा मत समझना कि अगर मैंने सी एल को आगे लिख दिया, एन एस थ्री को पीछे लिख दिया तो ये नया ग्रुप है। अगर मैं ऐसा लिख दूं, बाय द वे देखो सर, एन एस थ्री सी एल एन एस थ्री और सी एल सी एल, तो आप बोलोगे कि सर ये ऊपर वाला तो सेम आ गया, नीचे वाला सेम आ गया, ये घुमा दिया तो ये सेम आ गया। नहीं, अगर एक भी रिपीटेड हो जाता है तो पूरा रिपीटेड आपका हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश करना, यहाँ पर ध्यान रखना कि पूरा कंपाउंड आपका रिपीटेड नहीं होना चाहिए। एन एस थ्री के साथ अटैच है एन एस थ्री सी एल के साथ, यहाँ पर भी हम क्या बोलेंगे, एन एस थ्री के साथ अटैच है सी एल एन एस थ्री के साथ, तो बात तो एक ही है ना, सी एल अगर आपका एन एस थ्री के साथ अटैच हो या फिर एन एस थ्री आपका सी एल के साथ अटैच हो, बात एक ही है, तो ये रिपीटेड माना जाएगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बने बच्चों, दो। तो जी आई कितने होंगे बच्चों, इसके दो होंगे। अब इसकी एक खास बात जान लो, इसको बोलते हैं फेक आइसोमर, इसको क्या बोलते हैं, फेक आइसोमर। और यहां पर इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एक बार हम क्या करेंगे, एन एस थ्री के साथ सी एल को एडजस्ट करेंगे, फिर यहाँ एन एस थ्री के साथ एक और सी एल को एडजस्ट करेंगे, और यहाँ पर आप एन एस थ्री, यहाँ पर एन एस थ्री, इसको बोलेंगे मर आइसोमर। क्यों ऐसा है बच्चा, समझते हैं अब हम, इसको बोला जाएगा मर आइसोमर। अब देखो यहाँ पर ये तीनों जब आपस में जुड़ेंगे तो एक प्लेन क्रिएट कर रहे हैं, ये तीनों सिमिलर लिगेंट अगर आपस में जुड़ेंगे तो ये एक प्लेन क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए इसको फेक आइसोमर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर ये सी एल क्या आपस में जुड़ के एक प्लेन क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर एन एस थ्री सी एल एन एस थ्री एन एस एन एस थ्री एन एस थ्री एन एस थ्री सी एल एन एस थ्री सी एल सी एल सी एल। अब ये क्या आपस में जुड़ के एक प्लेन क्रिएट कर पाएंगे, नहीं, प्लेन क्रिएट करने के लिए बीच में एन एस थ्री आ गया ना, सो इसीलिए इसको हम बोलते हैं मर आइसोमर। यहाँ पर डायरेक्टली प्लेन थोड़ी ना क्रिएट हो रहा है, बीच में एन एस थ्री आ रहा है, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, मर आइसोमर। बात समझ में आ गई, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कंपाउंड का वो अरेंजमेंट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कंपाउंड का अरेंजमेंट हम लोग यहाँ पर इजिली देख सकते हैं। देखो यहाँ पर अब अगला, यहाँ पर अगला बाइडेंटेड में, बाइडेंटेट को दो पार्ट में तोड़ लेने का, समझ लेते हैं। अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं इससे रिलेटेड, देख लो, कोशिश करो बच्चों इसको, मैं भी एग्जांपल करवाऊंगा आप लोगों को तो आपको समझ में आ जाएगा। CO(En)2Cl2। अब CO(En)2Cl2 En कैसे बनेगा बच्चों, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ CH2 CH2N, मतलब नाइट्रोजन इसमें डोनर एटम होता है ना, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन डोनर एटम होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन, और ये कौन सा वाला है बच्चों, ई एन वाला है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका नाइट्रोजन डोनर एटम है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन डोनर एटम है, क्योंकि ये ई एन वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपका सी एल है और यहाँ पर आपका सी एल है, ये एक बन गया। अब देखो इसमें कॉम्बिनेशन बनाओ, देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ है, नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ है, क्लोरीन क्लोरीन के साथ है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक नाइट्रोजन आपका क्लोरीन के साथ चला जाएगा, एक नाइट्रोजन आपका क्लोरीन के साथ चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है, इस टाइप से आप लोगों का बन जाएगा। तो देख लेते ऐसा बन जाएगा। अब देखो जोड़ जोड़ते हम, यहाँ पर एक सी एल को नाइट्रोजन के साथ जोड़ना है, यहाँ पर एक और सी एल को हमको नाइट्रोजन के साथ जोड़ना है, लेकिन ये टूटेगा नहीं, ये यहां से यहां नहीं बनेगा, बीच में सीएल नहीं आएगा, एक साथ ही होंगे कंबाइन। तो यहां पर एक नाइट्रोजन और यहां पर एक आपका क्या हो जाएगा, सीएल, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों,
अगले स्टेप में आप लोगों का होगा यहाँ पर एक नाइट्रोजन, यहाँ पर एक नाइट्रोजन। आप देखो ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच है, एक आ गया। ये नाइट्रोजन आपका सीएल के साथ अटैच है, दूसरा आ गया ये नाइट्रोजन। ये दोनों ईएन को बताते ऐसे निकाल लेंगे, देखो। तो ये दो आइसोमर हो गए, इसको बोलते हैं ट्रांस, इसको क्या बोलते हैं ट्रांस, और इसको क्या बोलते हैं सिस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे ट्रांस, और इसको क्या बोलेंगे बच्चों सिस। ट्रांस क्यों बोलेंगे बच्चों, देखते हैं ट्रांस क्यों बोलेंगे। कि ट्रांस इसलिए इसको बोला जाएगा क्योंकि जब मैं इसमें से एक प्लेन बनाता हूँ, तो ये वाला प्लेन जब मैं बनाऊंगा, ये वाला जब मैं प्लेन बनाऊंगा, तो आपका नाइट्रोजन नाइट्रोजन लार्ज डिस्टेंस पे, लेकिन यहां जब मैं ये वाला प्लेन बनाऊंगा, देखो ये वाला प्लेन नहीं, यहां पर मैं जब ये वाला प्लेन बनाऊंगा, इसको समझ लेते हैं। यहां पर जब मैं ये वाला सीएल के साथ बना, यहां पर जब मैं ये वाला प्लेन बनाऊंगा, तो ये आपका सिस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, सिस आइसोमर में, ठीक है। तो यहां पर आपका सिस आइसोमर हो जाएगा, ये वाला प्लेन बनाए या ये वाला, तो ये आपका सिस आइसोमर होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझो, यहाँ पर आपका सिस आइसोमर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से मैंने निकाला है, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए फंडामेंटली, ठीक है। तो ये तो मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो आपको ध्यान रखना है, 24 घंटे हमेशा आप लोगों को ध्यान रख के चलना है ये वाला चीज, ठीक है। अब देख लेते नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लेते बच्चों। अब हम कौन सा, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ जी आई इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। अब ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में जी आई कैसे निकालेंगे, मैंने जी आई निकालने का ट्रिक बताया, अभी मैंने ऑप्टिकल निकालने का ट्रिक नहीं बताया, तरीका नहीं बताया। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा एम एक्स फोर वाई टू, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर एम एक्स थ्री वाई जेड डब्ल्यू। जब जब चार अलग अलग लिगेंट हो और एक तीन बार रिपीट हो, ठीक है, सारे कंसेप्ट देख लेंगे। अगला है हमारा क्वेश्चन एम एक्स टू वाई टू जेड टू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा एम एक्स टू वाई जेड डब्ल्यू आर, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए, एम एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक है। एम एक्स थ्री वाई थ्री ये आप कर लोगे यहां पर, एम ये आपको करना है एम एक्स थ्री वाई टू जेड, ये आपको करना है, ठीक है। ये वो वाला आपको करना है, ये वाला हमने किया हुआ है, ठीक है। ये वाला आपको होमवर्क दिया है मेरे बच्चों मैंने, इसको कैसे करना है वो आपको होमवर्क है, ये आपका आप लोग ट्राई करना है इसको, ठीक है। एक बार कॉम्बिनेशन बनाने का, सबसे पहले ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स से मैंने बोल दिया, तो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे जुड़ेगा, ये आपको ऐसे जोड़ लो, जनरली जोड़ लो आप लोग, ये एक्स ये एक्स ये वाई और ये वाई। अब कॉम्बिनेशन बनाते हैं, देखो एक बार क्या होगा एक्स 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 साथ हो जाएगा, एक बार एक्स 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 साथ आ जाएगा, एक बार इस लाइन पर क्या आ जाएगा वाई वाई। नेक्स्ट में क्या होगा एक्स वाई और यहाँ पर एक्स एक्स। अगला क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है बेटा बताओ, अगला कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है। यहाँ पर टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे यहाँ पर आपके दो, टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे दो, तो टोटल जी आई भी कितने होंगे दो होंगे। अब इसमें बनाते हैं, देखो एम एक्स एक्स ये आपका वाई ये आपका जेड, ये आपका वाई जेड हो गया, और यहाँ पर एक और एक्स है एक्स और डब्ल्यू, देखो तीन एक्स बना दिए तीन। अब कॉम्बिनेशन बनाते हैं, सबसे पहले एक्स 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 साथ हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा एक्स डब्ल्यू, एक बार क्या हो जाएगा वाई जेड, ये पहला कॉम्बिनेशन। अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, अब एक्स के साथ आपका वाई आ जाए, एक्स के साथ क्या आपका वाई आया अभी तक नहीं आया ना, तो एक्स के साथ वाई आ जाए और एक्स एक्स आ जाए, ठीक है। एक्स एक्स आ गया लेकिन एक्स के साथ तो वाई वाई तो नहीं है ना इसमें,
एक्स के साथ वाई है यहाँ पर, एक्स एक्स आ चुका है लेकिन एक्स के साथ वाई तो नहीं है। अब बचा क्या, जेड और डब्ल्यू। अगला कॉम्बिनेशन क्या होगा बोलो, अगला कॉम्बिनेशन एक लाइन पर चेक करेंगे। अब एक्स के साथ मैंने जेड डाल दिया, एक्स के साथ मैंने वाई डाल दिया, हाँ जेड डाल दिया। एक्स के साथ जेड डालने पर एक आपका एक्स एक्स बन जाए और एक आपका क्या बन जाएगा, वाई वाई डब्ल्यू बन गया। कुछ नया हो रहा है आप लोगों का, नहीं हो रहा है। अगला देख लेते हैं। अब देखो एक्स के साथ एक बार मैं क्या बना दूँ, एक्स के साथ मैं एक बार बना देता हूँ वाई, वाई यहाँ पर बना देता हूँ डब्ल्यू, और एक बार एक्स एक्स, और एक बार क्या हो जाएगा वाई जेड, ये बन गया। अब इसके बाद कौन सा कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, आपके माइंड में आएगा सर एक बार ऐसा कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं ना, वाई डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू को एक साथ रख दो, वाई डब्ल्यू को एक साथ रख दिया। अगर मैंने वाई डब्ल्यू को एक साथ रख दिया तो वाई डब्ल्यू को एक साथ रख दिया और वाई वाई डब्ल्यू को एक साथ रख दिया तो तीन एक्स बचे, तीन एक्स में से एक आपका जेड के साथ जाएगा, एक आपका एक्स एक्स। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, इसके बाद वाला आप लोग ट्राई करो, ट्राई करो इसमें कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करो और मुझे बताओ। लेकिन यहाँ पर वैसे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे बच्चों, कितने बने, ये पहला कॉम्बिनेशन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, कितने कॉम्बिनेशन बने, चार। तो टोटल नंबर ऑफ जीआईबी कितने हो गए बच्चों इसके, चार। टोटल नंबर ऑफ जीआईबी कितने हो गए बच्चों इसके, चार। अब इसमें देख लेते हैं इसमें कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर एक्स एक्स, समझ में आया बच्चों, ये तरीका आप लोग ध्यान रखो, कोशिश करो। सबसे पहले हम लोग ट्राई मारते हैं, कॉम्बिनेशन बनाओ, कॉम्बिनेशन एक लाइन वाले, लाइन वाले, लाइन वाले पर ये क्या क्या, एक्स एक्स को एक साथ कर दिया एक बार, वाई वाई को एक साथ कर दिया एक बार, मैंने वाई वाई यहाँ पर वाई वाई को एक साथ कर दिया एक बार, मैंने जेड जेड को, ये पहला कॉम्बिनेशन। एक बार एक्स एक्स को साथ रखा, इसको वाई जेड कर दिया, इसको वाई जेड कर दिया, ये दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया, अलग हुआ ना, कुछ भी है अलग हुआ। अब क्या करेंगे, एक बार, एक बार मैंने एक्स वाई कर दिया और एक बार मैंने एक्स जेड कर दिया और मैंने जेड जेड को एक साथ रख दिया, तो ये एक नया कॉम्बिनेशन बन गया। एक बार मैं क्या करूँगा बच्चों, एक बार क्या करूँगा, वाई वाई को एक साथ रख दिया, सबसे पहले एक्स का वाला ख़त्म हो गया, हाँ। एक बार मैंने वाई वाई को एक साथ रख दिया, वाई वाई को एक साथ रख दिया, लेकिन एक बार मैंने क्या रखा, एक्स जेड और एक्स जेड, ये नया कॉम्बिनेशन क्या ये रिपीट हुआ, चेक करो, चेक करो रिपीट हो रहा है कॉम्बिनेशन, ये पूरा सगड़े, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन यहाँ रिपीट हो रहे हैं, ऐसा चेक करो। अब बताओ एक बार मैं क्या करूँ, एक्स यहाँ पर, एक बार मैं एक्स जेड ले लिया, एक्स वाई ले लिया, और अब क्या करूँ, अब मैं ले लेता हूँ जेड जेड को एक साथ, जेड जेड को अगर मैंने एक साथ ले लिया, समझो जेड जेड को मैंने अगर एक साथ ले लिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्स वाई और एक बार एक्स वाई, ये एक नया कॉम्बिनेशन बना। देखो कहीं रिपीट हो तो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है। एक बार मैं ऐसा भी ले सकता हूँ कि आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, ये जेड वाई यहाँ पर, यहाँ पर अगला कॉम्बिनेशन आप लोग बनाओ, अगला कॉम्बिनेशन आप लोगों का बनेगा ही नहीं, अगला कॉम्बिनेशन आप लोगों का बनेगा ही नहीं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आएंगे बच्चों यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आएंगे पाँच। तो जी आई भी कितने हो जाएंगे बच्चों इसके, पाँच, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे बच्चों इसके, पाँच। तो ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करो, कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करो एक लाइन वाले पे। अब इसका कॉम्बिनेशन बनाना सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाई, ये जेड, ये डब्ल्यू, ये आर, अब इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसके बनेंगे बहुत कॉम्बिनेशन बनेंगे बच्चों इसके, मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनेंगे। देख लेते हैं सबसे पहले, एक बार तो एक्स एक्स एक साथ, फिर वाई जेड, वाई जेड कर दिया, एक बार वाई आर कर दिया, ठीक है, ये पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या क्या करेंगे बच्चों, एक बार एक्स वाई कर दिया, ठीक है, एक बार एक्स वाई कर दिया, एक बार एक्स जेड कर दिया, एक्स वाई कर दिया, एक बार एक्स जेड कर दिया, तो डब्ल्यू आर एक साथ आ जाएगा अपने आप, ठीक है, अपने आप। दो को फिक्स करोगे तो अपने आप, दूसरा है अलग है बट्टू, अलग है बच्चों ये, ठीक है। एक बार मैंने ले लिया एक्स जेड, एक्स डब्ल्यू एक साथ ले लिया, एक्स डब्ल्यू मैंने एक साथ ले लिया, तो क्या बचा बट्टू बच्चों यहाँ पर, एक्स जेड ले लिया, एक्स डब्ल्यू ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, वाई आर। देखो क्या ये रिपीट हो रहा है, वाई आर वाला ये, लेकिन यहाँ वाई जेड है, यहाँ एक्स डब्ल्यू है, तो क्या ये रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगला क्या होगा बच्चों, यहाँ पर अगला एक और कॉम्बिनेशन क्या बनेगा बच्चों, अब देखो मैंने
एक्स को जेड के साथ भी ले लिया, एक्स को डब्ल्यू के साथ भी ला लिया। एक बार मैं एक्स को डब्ल्यू के साथ लेता हूँ, एक बार एक्स को वाई के साथ, एक्स को डब्ल्यू के साथ लिया, एक्स को आर के साथ लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, वाई जेड बचा। चलो ये नया कॉम्बिनेशन। एक बार क्या करूंगा, एक्स को वाई के साथ लो, एक को एक्स को आर के साथ लो। तो एक बार मैंने एक्स को, हाँ एक्स को वाई के साथ लिया और एक बार एक्स को आर के साथ लिया, तो एक्स को वाई के साथ लिया, एक बार एक्स को आर के साथ लिया, तो क्या बचा, जेड डब्ल्यू। एक और कौन सा बनने बनेगा बच्चों, एक बार एक्स को वाई के साथ लो और एक बार एक्स को जेड के साथ, तो ये बीच वाला आ जाएगा अपने आप। एक बार एक्स को आप लोग जेड के साथ लो, एक बार एक्स को आप डब्ल्यू के साथ लो, एक बार एक्स को आप जेड को साथ लो, एक बार एक्स को आप डब्ल्यू के साथ लो, तो क्या बचेगा, वाई आर। देखो ये रिपीट हो गया कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया था इसे एग्जाम्पल। अब कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, एक बार एक्स को वाई के साथ लो, एक बार एक्स को डब्ल्यू के साथ, एक बार एक्स को वाई के साथ और एक बार एक्स को डब्ल्यू के साथ, तो क्या बचेगा बच्चों, जेड आर। देखो क्या ये रिपीट हुआ, इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आपका रिपीट नहीं हुआ। अब ये तो बन गए कॉम्बिनेशन हमारे, अब कोई और कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक बार एक्स को जेड के साथ लो, एक बार एक्स को आर के साथ लो, एक बार एक्स को जेड के साथ, एक बार एक्स को आर के साथ, तो क्या बचेगा बच्चों, वाई डब्ल्यू। देखो क्या ये भी रिपीट हुआ, ये भी आपका रिपीट नहीं हुआ, कॉम्बिनेशन एक भी रिपीट नहीं हुए, चेक कर सकते हो। एक और क्या बनेगा बच्चों कॉम्बिनेशन, समझो एक कॉम्बिनेशन आपका एक्स एक्स को रख दिया वैसे का वैसा ही, एक्स एक्स को मैंने वैसे का वैसा ही रख दिया। अब क्या बनाएंगे बच्चों, एक बार वाई आर ले लेंगे एक साथ, एक बार मैं जेड डब्ल्यू ले लूंगा। देखो एक्स एक्स वाला सेम है लेकिन ये दोनों अलग अलग है, मतलब रिपीट नहीं हुआ। एक बार क्या करेंगे बच्चों, एक्स एक्स को फिर मैंने सेम ले लिया, ठीक है, एक बार वाई जेड लिया था, एक बार वाई आर लिया, एक बार वाई डब्ल्यू ले लेता हूँ, वाई डब्ल्यू और एक बार क्या बचाएगा, जेड आर। तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल इन दिस कॉम्प्लेक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब जो भी आप लोग कॉम्बिनेशन बनाओगे वो सारे रिपीट होंगे, एक बार ट्राई करो। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो गए बच्चों, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो गए बच्चों, यहाँ पर 9, तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए, 9। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा, वो वाला आपको होमवर्क करना है, कॉम्बिनेशन मुझे बताना है, कॉम्बिनेशन बना के मुझे बताना है। आप लोग बनाओ, कोशिश करो, कोशिश करो, 5-6 बार कोशिश करोगे तो ये चीज़ें आप लोगों को, अगर आपने 5-6 बार इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए और आपने कोशिश कर लिया तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्योंकि मैं स्टीरियो आइसोमर भी पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मैं स्टीरियो आइसोमर भी पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को अगर ये समझ में आ गया होगा तो आप लोगों को आराम से पता लगा सकते हो आपकी कौन सा कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल है और कौन सा कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा, वो भी आप लोग पता लगा सकते हो, वो भी आप लोग पता लगा सकते हो। देखो एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ, समझने का प्रयास करना बच्चों, कोशिश करना समझने का। देखो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, एम एम एक्स फाइव वाई, अब इसका कॉम्बिनेशन ऑक्टाहेड्रल है। एक और क्वेश्चन रख लेते हैं, यहां पर एक्स 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 और ये वाई, कॉम्बिनेशन बनाओ एक्स 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 एक साथ, यहां पर एक्स 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 साथ, यहां पर एक्स वाई। अगला कॉम्बिनेशन क्या होगा, अगला कॉम्बिनेशन कुछ भी होगा, वाई यहां से वहां जाएगा तो एक्स वाई यहां हो जाएगा, तो बाकी तो बचेंगे एक्स एक्स ही ना, तो कॉम्बिनेशन तो सेम हो गया, चाहे ऊपर नीचे हो कॉम्बिनेशन सेम हो गया। एक्स एक्स है इसमें भी है, इसमें एक्स एक्स है इसमें भी है, इसमें एक्स वाई है इसमें भी है, तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन सेम हो गया। तो क्या ये जी आई शो करेगा, इट कैन नॉट शो जी आई। समझ में आया कैसे निकाला मैंने, बड़े प्यार से निकाल लिया। जब ये आपके कॉम्बिनेशन ही एक है तो आपका जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है, इस तरीके से समझो स्ट्रेट लाइन को लेके, ठीक है। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों, एक एक करके जीआई मैंने बता दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब हम ऑप्टिकल आइसोमर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, काफी इंटरेस्टिंग है चैप्टर वैसे, ऑप्टिकल आइसोमर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑप्टिकल आइसोमर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो ऑप्टिकल आइसोमर की डेफिनेशन आप लोग जानते हो,
ऑप्टिकल आइसोमर की आप लोग डेफिनेशन बहुत अच्छे से जानते हो। देख लेते हैं बच्चों, हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है हमारा। सबसे पहले देखो, कोई आपके ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट को मैंने निकोल प्रिज्म से पास किया। निकोल प्रिज्म से पास करने पर ये आपका किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? पीपीएल में। शायद से ये आपको ऑर्गेनिक में भी मैंने करवाया था, पीपीएल में पास हुआ। और पीपीएल से अगर ये किसी सॉल्यूशन में गया, अगर ये सॉल्यूशन अगर आपका ऑप्टिकल एक्टिव हुआ, यहाँ पर बता देता हूँ कंडीशन, इफ सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव अगर सॉल्यूशन आपका ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, तो ये या तो ये इस तरफ घूम जाएगा प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, या तो आपका इस तरफ घूम जाएगा प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। मतलब सॉल्यूशन क्या होना चाहिए बच्चों? ऑप्टिकल एक्टिव। अगर इफ सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर सॉल्यूशन आपका क्या हो जाए बच्चों? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर सॉल्यूशन आपका क्या हो जाए बच्चों? ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो प्लेन पोलराइज लाइट आपका बिल्कुल नहीं घूमेगा, ठीक है, वैसा का वैसा रहेगा। अगर सोल्यूशन आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए तो प्लेन पोलराइज घूमेगा, अगर सोल्यूशन आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए तो प्लेन पोलराइज लाइट आपका नहीं घूमेगा। यहां तक आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी है, काफी सिंपल है। चलो ये चीजें समझ में आ गई, तो अब हम देख लेते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखो ऑप्टिकल इनएक्टिव कौन होता है बच्चों? मैंने आपको बताया था जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है, पीओएस जिसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों, हमेशा ऑप्टिकल आइसोमर कौन शो करेगा? थ्री डी स्ट्रक्चर्स। ऑप्टिकल आइसोमर कौन शो करेगा बच्चों? थ्री डी स्ट्रक्चर, नोट आपका टू डी स्ट्रक्चर। तो स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर आपका, स्क्वायर प्लेनर नोट डाल के लिख लेना, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैन नॉट शो, कांट शो, कांट शो ऑप्टिकल आइसोमर। क्यों नहीं करेगा बच्चों? क्योंकि ये आपका क्या नहीं होगा बच्चों? आपका थ्री डी स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये क्या होता है बच्चों? आपका टू डी स्ट्रक्चर होता है। कौन सा होता है? टू डी स्ट्रक्चर, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में समझ लेते हैं अब हम, और टेट्राहेड्रल। तो देख लेते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्रा हाइड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑप्टिकल आइसोमर इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमर हम कैसे बनाएंगे समझ लेते हैं। देखो यहां पर दो टाइप के होंगे, एक तो आपका एम एम ए एम, मैं ए बी सी डी लिख रहा हूँ, ए बी सी डी इज अ टाइप ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड। अब देखो यहां पर एम ए बी सी डी, अगर मैं इस दोनों लाइनों को प्लेन ऑफ सिमेट्री में काट दूं, तो यहाँ क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये क्या होगा बच्चों? आपका ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्या होगा आपका? ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसका मतलब इसका आपका दूसरा बनेगा, दूसरा आपका बनेगा इसका। मैंने ऐसा एग्जाम्पल करवाया आपको ऑर्गेनिक में, तो आप लोग जान सकते हो, यहाँ पर बन जाएगा डी, यहाँ पर बन जाएगा आपका सी, और यहाँ पर बन जाएगा आपका बी। लेकिन अगर मैंने बनाया ऐसा कॉम्प्लेक्स एम ए टू बी सी, क्या ये शो करेगा? देख लेते हैं, एम ये ए, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर मैंने बी सी से पास कर दिया तो क्या बनेगा? यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने बी सी से पास किया तो ये आपका प्लेन आ गया, सिमेट्रिकल आ गया। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा बच्चों? प्रेजेंट होगा। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा? प्रेजेंट होगा। सो इट कैन नॉट शो, कांट शो ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये आपका क्या शो नहीं करेगा? ऑप्टिकल आइसोमर आपका शो नहीं करेगा। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको इसको डील करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन, नेक्स्ट समझना यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखो यहां पर अगर मैंने ऐसा बना दिया, एक और एग्जाम्पल टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं बच्चों, टेट्राहेड्रल की, मैं टेट्राहेड्रल की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने एम ए बी, ए बी टू कर दिया, ये क्या है? बाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल लिगेंड, बाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल लिगेंड। कल मैंने बताया है, ध्यान से समझो, ये टेट्राहेड्रल बना दिया मैंने, ये मैंने टेट्राहेड्रल बना दिया,
ये ए और बी, ये ए सेंटर से जुड़ा है और ये बी सेंटर से, ये आपका ए और ये बी। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री कट करूंगा तो मैं ऐसा थोड़ी ना कट करूंगा कि एक इसको कट कर दिया, एक इसको कट कर दिया। अगर मुझे कट करना होगा तो दोनों एक साथ ही कट होंगे। रीजन क्या है कि ये दोनों हमेशा एक ही साथ जुड़े रहेंगे। ये दोनों हमेशा कैसे जुड़े रहेंगे बच्चों? एक ही साथ। अगर मैंने इस प्लेन ऑफ सिमेट्री को कट कर दिया तो यहां पर ये बी और ए है। क्या पीओएस है? पीओएस एब्सेंस है। पीओएस क्या है? एब्सेंस है। और एब्सेंस होने की वजह से ये क्या होगा बच्चों? कायरल होगा। और कायरल होगा इसका मतलब क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मतलब ये क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमर। यह आपका क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमर। यह आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होने की वजह से यह आपका क्या शो कर जाएगा बच्चों? ऑप्टिकल आइसोमर। बात को ध्यान से समझो, यहां पर एम, यहां पर इस तरीके से बन जाएगा ये, यहां पर ए बी ये वाले, और यहां पर आपका ए बी इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने अगर ऐसा कर दिया, मान लिया जैसे ही मैंने अगर ऐसा कर दिया, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा बच्चों, मुझे पता है आप लोगों के माइंड में ये डाउट आ रहा होगा, सर मैं इसको काट देता हूँ, इसको काट देता हूँ, ये दोनों कभी एक साथ नहीं कटेंगे, ये दोनों एक साथ कट सकते हैं, ये दोनों एक साथ कट सकते हैं, जब इस तरीके से जुड़ा रहेगा कंपाउंड। तो ध्यान रखना, हमेशा इन दोनों को कट कर सकते हो, इन दोनों को कट कर सकते हो, इन दोनों को नहीं कट आप कर सकते। ठीक है, अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एक हम एम ए ए टू टाइप का, अब देखो ए ए टू मतलब यूनिडेंटेड सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। आप देखो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड शो नहीं करेगा, कैसे? मुझे कैसे पता चला? देखो यहां पर मुझे कैसे पता चला, ये ए और ए। अब देखो इन दोनों को प्लेन को काट दिया, ये वाले लाइन को काट दिया, तो ये तो ये भी ए है, ये भी ए है, तो जैसे ही इसको काटा तो ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्रिकल आ गया। आई होप दोगे अब आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर प्रेजेंस है, सो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ऑप्टिकली इनएक्टिव होने की वजह से ये आपका इट कैन नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर। तो कौन शो करेगा? मैंने आपको बता दिया, इट कैन नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर। अब मैं एक और चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूं, एक और चीज काफी बहुत अच्छी चीज बताता हूं, समझो समझो। मान लो ये वेज पर होगा तो ये इसी रिंग से तो जुड़ा है, ये वेज पर होगा तो ये भी वेज पर ही होगा ना, ये सिमिलर है ना, ये वेज पर होगा, ये वेज पर होगा। ऐसा थोड़ी ना कि एक आपका लिगेंट आपका आगे पीछे जा रहा है और एक आपका इस प्लेन पर इस तरीके से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से थोड़ी ना लिगेंट आपका जुड़ा हुआ रहेगा। आपका लिगेंट जुड़ा हुआ रहेगा अगर दोनों आगे पीछे हैं, तो दोनों आगे पीछे होंगे और दोनों आजू बाजू है, मतलब इस तरफ है, तो ये इस तरफ जुड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका दोनों मतलब प्लेन में नहीं रहेंगे, ये दोनों बॉन्ड एक प्लेन में रहेगा, ये दोनों बॉन्ड हमेशा एक प्लेन में रहेंगे जब बाइडेंटेड से जुड़े रहेंगे। तो ये वाले प्लेन को काटेंगे तो ये वाला प्लेन ही तो बचेगा। हम ऐसा थोड़ी ना कि एक पीछे वाले प्लेन को काट दे, एक आगे वाले प्लेन को, एक साथ कभी नहीं काट सकते। ऐसा कोई प्लेन आप क्रिएट नहीं कर सकते जिसमें आप आगे पीछे वाले प्लेन को और आगे पीछे वाले प्लेन को और ऊपर नीचे वाले प्लेन को एक साथ काट दो, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए ये दोनों एक प्लेन में रहेंगे हमेशा, ये दोनों एक प्लेन में रहेंगे। तो मुझे ऐसा प्लेन मुझे मिल जाएगा जिसमें ये दोनों एक साथ रहेंगे, तो ये दोनों आपके सिमिलर नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर पीओएस एब्सेंस है। लेकिन अगर मैंने ये दोनों एक प्लेन में, ये दोनों एक प्लेन में अगर यहाँ से कट कर दिया तो ये दोनों ए ए है, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री जनरेट हो गई, और प्लेन ऑफ सिमेट्री जनरेट हो गई इसका मतलब ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ए का मतलब ये ए से जुड़ा है, ए का मतलब ये वाला भी ए से जुड़ा है। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीका था, मैंने आपको बता दिया ऑप्टिकल एक्टिव कब होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होगा। ठीक है, काफी ईजी है, काफी सिंपल है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, ऑप्टिकल आइसोमर इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑप्टिकल आइसोमर इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, फिर मैं उसका भी निकालने का तरीका बताऊंगा आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर भी निकालना बताऊंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमर इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें लिख लो ऑप्टिकल आइसोमर इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखो ऑप्टिकल आइसोमर इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ध्यान रखना ऑलवेज
ऑलवेज सिस फॉर्म शो ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर हमेशा सिस फॉर्म आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। और बाकी तो कौन कौन करेगा कौन कौन नहीं करेगा मैं आपको बता दूंगा, हमेशा सबका आपका सिस फॉर्म आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ठीक है। सिस फॉर्म किसमें होगा बच्चों, जिसमें दो दो कंपाउंड आपके सिमिलर हो, ठीक है। देख लेते हैं बच्चा, सबसे पहले मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। देखो ये याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को जो फंडामेंटल कंसेप्ट बताने वाला हूँ उससे आप लोग समझ जाओगे, फिर भी आप लोग लिख लो इसको, नहीं तो आप लोग कुछ बोलोगे कि सर ने हमको नोट्स नहीं लिखा है अच्छे से, तो इसलिए मैं लिखवा देता हूँ सिस एम एक्स टू वाई टू जेड टू, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सिस वाला शो करेगा जिसमें आप, अब इसमें डिसिमेट्रिक क्रिएट करो एम एक्स टू वाई टू जेड डब्ल्यू। अब इसके बाद कौन सा होगा, इसके बाद होगा सिस एम एक्स टू वाई जेड डब्ल्यू आर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होगा, एक एक और डिसिमेट्रिक क्रिएट करेंगे तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू आर एस। इसमें तो सिस और ट्रांस बोल ही नहीं सकते, इसमें बोल सकते इसकी वजह से, इसमें इसकी वजह से बोल सकते, इसमें इसकी वजह से बोल सकते, ये आपके शो करेंगे, ठीक है। ये आपके आपके यहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अगला देख लेते हैं यहाँ पर सिस एम ए ए टू एक्स टू, तो यहाँ पर सिस वाला क्या शो करेगा बच्चों, एम ए ए टू एक्स वाई, ठीक है। अगला क्या होगा, सिस एम ए बी टू एक्स टू, अगला कौन सा शो करेगा सिस, इसमें डिसिमेट्री क्रिएट कर दो, सिस वाले करेंगे एम ए बी एम ए ए बी बी एक्स टू, एक्स टू आ रहा है तो सिस सिस शो करेगा, यहाँ पर ए ए टू है ना इसलिए हम इसको बोल सकते हैं सिस वाला। अगला देखो यहाँ पर सिस एम, इसका नहीं होगा, ये ए बी, ये ए बी और ये एक्स और ये वाई, ठीक है। अगला कौन सा होगा बच्चों, यहाँ पर समझ लेते हैं, यहाँ पर अगला समझ लेते हैं बच्चों, सिस एम ए ए एक्स टू वाई टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा सिस एम ए ए टू एक्स टू वाई जेड, यहाँ पर क्या हो जाएगा सिस एम ए ए एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और एक में लिखा देता हूँ बच्चों यहाँ पर एम ए ए थ्री। ये सारे के सारे आपके जो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे, जितना ज़्यादा इन सब में डिसिमेट्री क्रिएट किया है वैसे मैंने लिखा दिया, ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इस वाले चारों को याद रखो, बाकी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, इन चारों को ध्यान रखो बस, इन चारों को आप लोगों को ध्यान रखना है, इन चारों को याद रखोगे तो काफ़ी है, नहीं भी ध्यान रखोगे तो आप लोग स्ट्रक्चर से निकालना सिखा दूंगा, मैं निकालना ही सिखा दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन इसको ध्यान रखो। चलो देख लेते हैं अब कैसे, अब देखो एग्जाम्पल समझ लेते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देख लेते हैं, उनको दो मिनट एक और लगा, एक और हमारा खत्म, कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों इसमें अब हम समझते हैं कि इसके एग्जाम्पल समझते हैं, देखो एग्जाम्पल एक एक करके समझते हैं। देखो यहां पर सी आर NH3 टू Cl2 H2O 2, यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लस वन, ठीक है। ये मेरा कोई कंपाउंड है, अब ये किसकी तरह मैच खा रहा है, देखो यहाँ पर MX2Y2Z2 इसकी तरह मैच खा रहा है। मैं दोनों मेथड बताऊंगा, मेथड वन और मेथड टू, ठीक है। मेथड टू अब ये आपका कैसा शो करेगा देख लेते हैं बच्चों, ये आपका कैसा शो करेगा देख लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने M बना दिया, यहाँ पर मैंने बना दिया Cr, ये मेरा यहाँ पर NH3, ये मेरा यहाँ पर NH3, ये मेरा यहाँ पर NH3,
ये मेरा यहाँ पर सी एल, ये सी एल और ये सी एल, तो ये कौन सा हो गया बच्चों आपका फेशियल वाला। और इसका दूसरा अब आपका कौन सा होगा बच्चों, इसका दूसरा आपका यहाँ पर फेशियल बन गया, मतलब यहाँ पर तीनों एक साथ आ गए, तो ये तो मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना दिया। ये मैंने कौन सा बना दिया बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमर देख लेते हैं यहाँ पर, ये मैंने इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना दिया, समझ लेते हैं कौन से फॉर्म में, इस फॉर्म में नहीं, इसका मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना दिया। अब इसका देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर आपका NH3, यहाँ पर मैंने कर दिया Cl, यहाँ पर NH3, यहाँ पर मैंने कर दिया NH3, यहाँ पर Cl और यहाँ पर आपका Cl, कितने Cl, NH3 और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ये आपका H2O, सॉरी बच्चों मॉलिक्यूल अलग था। अब क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, चेक कर लेते हैं। अब देखो इन दोनों प्लेन को काटूंगा, तो ये आपका क्या होगा, काइरल सेंटर होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। अगर मैंने ऐसे प्लेन को काटा, समझना बात को ध्यान से, अगर मैंने इन दोनों प्लेन को काटा तो ये क्या हो जाएगा, काइरल सेंटर होगा, नहीं होगा। अगर मैंने इन दोनों प्लेन को काटा तो क्या ये काइरल सेंटर होगा, सोच के देखो, क्या ये आपका काइरल सेंटर होगा, नहीं होगा। क्या ये आपका काइरल सेंटर होगा, नहीं होगा। इन दोनों प्लेन को अगर मैंने ये वाले प्लेन को काटा, थोड़ा समझने की कोशिश करो बच्चों, ये वाले प्लेन को काटा तो ये क्या काइरल सेंटर होगा, दूसरे प्लेन को भी काटो, मैंने जो प्लेन बनाया उस पर देखो, अभी आप ये वाले प्लेन पे देखो, अगर इस प्लेन से काटा तो क्या ये दोनों आपके सिमेट्रिकल है, सेम है, नहीं है ना। यहाँ पर काइरल सेंटर होगा, काइरल सेंटर होगा तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। इसको हम बोलते हैं सिस आइसोमर, इसको बोलते हैं सिस फॉर्म, या फिर हाँ सिस फॉर्म बोलते हैं। अब इसका बनाते हैं, बनाओ इसका, इसका ऑप्टिकल आइसोमर कौन सा बनेगा बच्चों, CR, CL और एक कौन CL, यहाँ पर आपका आ जाएगा CL, यहाँ पर आपका आ जाएगा H2O, यहाँ पर आपका आ जाएगा NH3, यहाँ पर आपका आ जाएगा NH3, यहाँ पर आपका आ जाएगा H2O, इस तरीके से बनेगा। लेकिन इसके बहुत सारे कंपाउंड है जो आपके वो ऑप्टिकल आइसोमर को शो करेंगे, तो सबसे पहले मेथड टू समझना, इफ AA और AB कॉम्बिनेशंस आर रिपीटेड then it will be ऑप्टिकली इनएक्टिव, अब मैं कॉम्बिनेशन बना देता हूँ ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब पहले कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, GI, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मुझे पहले क्या चेक करना पड़ेगा बच्चों, GI, तो GI चेक करो, GI कैसे बनाओगे बच्चों, एक बार मैंने NH3 को एक साथ रख दिया, एक बार मैंने CLCL को एक साथ रख दिया, पहले मान लिया CLCL को एक साथ रख दिया, एक बार मैंने H2O को एक साथ रख दिया, इसको देखो एक साथ रख दिया, मतलब एक लाइन पर CLCL, एक लाइन पर NH3, एक लाइन पर H2O, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिमिलर वाले ले, मतलब AA मतलब NH3 वाला रिपीट हो गया, NH3 वाला, ये केवल एक भी आएगा, और यहाँ पर दो अगर ऐसे आ जाएंगे, ये आपके AB वाले दो आने चाहिए, वो AA वाले एक आने चाहिए, कोई एक चेक कर लो, NH3 किस टाइप का, AA टाइप का, इसको छोड़ो, यहाँ अलग भी होगा तो भी ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपका क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो इट कैन नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर। अगला क्या होगा बच्चों, अगला मैंने मान लिया NH3 को मैंने किसके साथ जोड़ दिया, NH3 के साथ जोड़ दिया, यहाँ पर CLH2O कर दिया, यहाँ पर CLH2O कर दिया, एक कॉम्बिनेशन ये मैंने बना दिया, देखो फिर से आपका रिपीट हो गया AA, और AB भी रिपीट हो रहा है आपका, तो ये पूरा क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, समझ में आया बच्चों, ये तरीका है। अगला क्या होगा बच्चों इसमें, अगला एक और कॉम्बिनेशन बनाऊं, देखो यहां पर NH3 H2O CL और CL NH3, देखो
क्या इसमें ए ए आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या इसमें ए बी ए बी सिमिलर आ रहा है? एन एच थ्री एच टू है, एन एच थ्री एच टू कहीं है। ए बी ए बी दो बार आ रहा है, ए बी ए बी दो बार आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा। ए ए बी नहीं आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ये कौन सा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। बात समझ लो, यहाँ पर ए ए मतलब एन एच थ्री आ गया, यहाँ पर ए ए है वो एन एच थ्री, ए बी ए बी मतलब ए बी ए बी मतलब सी एल एच टू सी एल एच टू सेम आ गया, इसलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे बच्चों इसका, जल्दी बताओ। और कौन कौन से कॉम्बिनेशन आप लोग बना सकते हो बच्चों इसका, जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर। और कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके, इसके आपके बनेंगे पाँच। पाँच कौन कौन से बनेंगे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इसमें एक और कॉम्बिनेशन बना लेते हैं हम यहाँ पर, बनाओ कौन कौन से बनेंगे देख लेते हैं। एक आपका बनेगा बच्चों यहाँ पर NH3 CL के साथ आ गया, CL एक बार आ गया, CL हाँ एक बार हो जाएगा, CL एक बार हो जाएगा आपका, CL कॉम्बिनेशन और NH3 H2O। तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? ये भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कॉम्बिनेशन होगा। और अगर मैं बोलना चाहूँ यहाँ पर कि एक और कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, बनाओ एक और कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करो। देखो इस बार H2O को एक साथ रख दो, NH3Cl, क्या ये रिपीट हो रहा है? रिपीटेशन भी देखते रहो, मैं चेक करता जा रहा हूँ। ये भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब बताओ केवल कितने आपके GI आइसोमर मिले, कितने आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने बच्चों यहाँ पर? 1 2 3 4 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने? 5। लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो इसका क्या होगा? आर भी होगा और इसका एस भी होगा। तो टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे बच्चों इसके? 6। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे बच्चों इसके? 6। ये टोटल नंबर ऑफ 6 स्टीरियो आइसोमर हो जाएंगे ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे बच्चों इसके? 1। ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे? ऑप्टिकल आइसोमर इसमें होंगे बच्चों आपके 2, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे बच्चों इसके? 4। और इनेंशियोमर पेयर कितने होंगे? इनेंशियोमर पेयर कौन कौन से होते हैं? जो ऑप्टिकल एक्टिव पेयर होते हैं दैट इज कॉल्ड इनेंशियोमर पेयर। तो इनेंशियोमर पेयर कितने होंगे बच्चों इसमें? 1। ये बात को ध्यान रखो, देखो सारा डाटा हमने निकाल लिया इससे। तो ये तरीका आप लोग बार बार फॉलो करो, आप लोगों को 100% आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैंने कितने प्यार से एनालिसिस किया, ठीक है। कभी भी मैंने आपको लिखवाया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालो तो पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालो, उसके बाद आप लोग स्टीरियो आइसोमर निकालने की कोशिश करो, ठीक है। पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर, देन आफ्टर ढूंढो उसमें ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा होगा, ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करवाता हूँ मैं यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल करवाता हूँ, देखते एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं यहां पर, मोर सिमेट्रिकल का मैं आपको बता देता हूं, फिर आपको उसमें ढूंढना है। तो यहां पर एक में लिखा देता हूं, यहां पर CO(En)2Cl2, ये है आपका एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है बच्चों। ये ऑक्टाहेड्रल है तो यहां पर इस तरीके से जुड़ा होगा, ठीक है। यहां पर आपके CL और यहां पर आपका EN, ये हो जाएगा एक। अब इसके कितने फॉर्म बनेंगे, वो समझना है अब इसके कितने फॉर्म बनेंगे, ठीक है। तो यहां पर EN का समझ लिया कि EN का यहां पर N सेंटर है, मान लिया एनी डोनेट करता है ना, तो N सेंटर डोनेट करा के एक बार NN डोनेट हो गया, एक बार यहां से NN। तो मैं बना लेता हूं यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, पहले कॉम्बिनेशन बना लो पहले। यहाँ पर NN एक साथ कर दिया एक बार मैंने, एक बार यहाँ पर N और CL एक साथ कर दिया, एक बार N और CL एक साथ कर दिया, ठीक है।
ठीक है, एन और सी एल मैंने एक साथ कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और एक बार मैंने क्या किया बच्चों, देखो एक बार मैंने यहाँ पर सी ओ यहाँ पर मैंने कर दिया, देख लेते टफ लग रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर एन मान लिया, एन मान लिया ये ई एन वाला सेंटर है, एन आपका डोनेट करता है ई एन में, ई एन में आपका कौन डोनेशन करता है, नाइट्रोजन एटम, तो ये नाइट्रोजन एटम डोनेट कर दिया, दिखा दिया बस मैंने, यहाँ पर सी एल यहाँ पर सी एल। अब यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, ये एन 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 सी एल सी एल, ठीक है सी एल सी एल। अब आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर अगर मैं इसका निकालूं, तो इसका अगर मैं निकालूं, तो अगर मैं ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझना कि ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसमें अगर मैं इस प्लेन को कट करूँगा, इस प्लेन को कट करूँगा, तो यहाँ पर आपको इन दोनों का क्या जाएगा, कायरल सेंटर, यहाँ पर ये आपका कायरल सेंटर है। नहीं तो आप थोड़ा सा इस प्लेन को कट करो, आप इस प्लेन को भी कट करके देखो, आप कुछ भी कर सकते हो बच्चों, इसमें इस प्लेन को भी कट करके देखो, ये अलग आ गया ये अलग आ गया मतलब कायरल सेंटर है, ये अलग आ गया ये अलग आ गया मतलब ये क्या होगा बच्चों आपका कायरल सेंटर। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका कायरल सेंटर होगा, तो ये वाला आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा। बाइडेंटेट का तरीका अलग है, बस मैं आपको कॉम्बिनेशन बनाना बताता रहा हूँ। जी आई इसके कितने होंगे, दो होंगे, जी आई कितने होंगे, दो होंगे, ये वाला सिस वाला होगा और ये वाला आपका ट्रांस वाला होगा, ये वाला आपका कौन सा होगा, ट्रांस वाला। अब ट्रांस वाले में हम क्या देखेंगे, बाइडेंटेट में हम ये एन एन को नहीं देखेंगे, हम केवल यूनिडेंटेड वाला देखेंगे। मैंने बताया था ना, आप देखो यूनिडेंटेड वाला सिमिलर आ गया, ए ए टाइप का आ गया, तो ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो ये आपका क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैं यूनिडेंटेड वाला देखूंगा, बाइडेंटेड वाला नहीं देखूंगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये वाला कौन सा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि आपका यूनिडेंटेड अलग अलग है, ठीक है। ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा, देखो ये ए ए टाइप का, ए ए का मतलब यूनिडेंटेड वाला था, वहां पर पहले जो लिखा था वहां पर ए ए का मतलब यूनिडेंटेड वाला था, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब बात समझो, इसका निकालते हैं, इसका क्या बनेगा, सी एल सी एल एन एन सेंटर वाला ई एन, और यहां पर क्या जाएगा, ई एन। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा, काफी टिपिकल कंसेप्ट था, ठीक है। एक दो बार कोशिश करोगे तो आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। ये टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान रखो, ख्याल रखो इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आ गया होगा। देखो सिस फॉर्म ने ही शो किया, ट्रांस फॉर्म आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे बच्चों, इसके तीन हो जाएंगे, एक दो तीन। और टोटल नंबर ऑफ इन एनेंशियोमर पेयर एक होगा, ये वाला दो एनेंशियोमर पेयर मतलब दो का एक, दो कंबाइन होके एक बनेगा। और टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर एक दो, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने आ जाएंगे, दो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, दो। एनेंशियोमर पेयर कितने हो जाएंगे, एनेंशियोमर पेयर कितने हो जाएंगे बच्चों यहां पर, एक। और स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे बच्चों यहां पर, तीन। स्टीरियो आइसोमर एक दो तीन, आपके ऑप्टिकल आइसोमर एक दो, दो हो गए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक दो, दो हो गए। एनेंशियोमर पेयर इन दोनों का एक हो गया, फिर यह स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ एनेंशियोमर पेयर और टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। काफ़ी इजी कंसेप्ट है, काफ़ी सिंपल है। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने किस तरीके से डील किया कंसेप्ट। नेक्स्ट, आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड देता हूँ, आप लोग होमवर्क में करिएगा बच्चों इसको, फिर आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा मैं किस तरीके से डील कर रहा हूँ, ठीक है। आपको कुछ होमवर्क में दे देता हूँ, आप लोग उसको करिएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, यहाँ पर क्वेश्चन आपको उसी तरीके से करना है, लेकिन उसको ध्यान रखो, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, ठीक है, इन फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आपको इसमें क्या क्या बताना है, ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे,
ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, इनेंशियोमर पेयर भी कितने होंगे, वो सब आपको बताना है। तो मैं पहला लिख देता हूँ एम ए फोर बी टू टाइप का, सेकंड में लिख देता हूँ एम ए थ्री बी थ्री टाइप का, थर्ड सी में लिख देता हूँ एम ए फोर बी सी टाइप का, फोर्थ में लिख देता हूँ यहाँ पर एम ए टू बी सी डी ई टाइप का। इन सब में आप लोगों को कल कैलकुलेट करके मुझे बताना है। दिस इज़ योर होमवर्क, ट्राई करो। सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, कॉम्बिनेशंस बनाओगे। कॉम्बिनेशंस में अगर ए ए आपका कहीं आ रहा है एक बार, या फिर आपका ए ए कहीं एक बार आ रहा है, या फिर आपका ए वो ए बी दो बार आ रहा है, ऐसा कोई मतलब ए बी दो बार आ रहा है, तो इसका मतलब वो आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, बाकी सारे ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आपको सब निकालना है। तो यहाँ पर हाँ, ये आपका होमवर्क है, आप लोग ट्राई करना। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पक्का बताने वाला हूँ। ठीक है, एक बार कोशिश करो, कॉम्बिनेशन बनाओ, कॉम्बिनेशन के थ्रू एक बार जाने की कोशिश करो। तो आपको कभी भी इस चैप्टर में आइसोमर में कभी गलती से भी याद कुछ नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो अब आपको याद करना पड़ेगा अगर आप लोगों ने कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश नहीं की तो। आई होप सो कि आप लोग अब कॉम्बिनेशन बनाओगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।